छोटे छोटे मगर कमाल के टिप्स हैं, जरूर सुने। आवाज बैठ जाए तो सौंफ का दाना चूस लो, फौरन फायदा होगा। आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। खांसी रोकने के लिए सुबह, दोपहर और शाम को मुलैठी मुंह में रखकर चूस लो। बच्चों को बुखार हो जाए तो फौरन नहला दो या ठंडे पानी की पट्टियां सर पर रखें। बार बार पेशाब आने से रोकने के लिए सोने से पहले अखरोट खाएं। दांत का दर्द दूर करने के लिए लौंग इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर काबू रखने के लिए आड़ू, लोबिया और केला इस्तेमाल करें। सौंफ का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की रोशनी तेज करता है। शक्कर और सौंफ वजन लेकर उसे कूट ले। सर के चक्कर दूर करने के लिए एक चम्मच पानी के गिलास में ले ले। दिल के मरज से हमेशा बचे रहना चाहते हो तो सुबह के समय ताज़ा फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी ज्यादा इस्तेमाल करो। कान में दर्द है तो सरसों के तेल में लौंग जलाकर रुई तर करके कान पर लगाओ। आंखों की रोशनी तेज करनी है तो गाजर खाओ। पेशाब में जलन होती है तो लस्सी में नमक डालकर पिए या खरबूजा खाएं। ज्यादा प्यास लगने की सूरत में दूध की कच्ची लस्सी बनाकर 3 गिलास पी लेने से प्यास खत्म हो जाएगी। पांव के तले जलते हो तो एलोवेरा के गुर्दे की मालिश करें। पलकें लंबी और घनी बनानी है तो जैतून का तेल लगा लें। एलोवेरा का गुर्दा सुबह और शाम को चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। इसके अलावा सालन में अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें। गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो खीरे का इस्तेमाल बढ़ा दें। पेट में दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबाकर खाएं। पाँव में दर्द है तो जैतून का तेल लगाएं। सर में जुए हैं तो चमेली का तेल लगाएं। नाफ उतर गई है तो नारियल का तेल नाफ में लगाएं। चोट लगी हो खून रुकने के लिए रुई नारियल के तेल में डुबो कर लगाएं। कमजोरी महसूस हो तो खजूर दूध में पकाकर खाएं और दूध पी जाएं। वैसे तो दुनिया भर में केले का शेक बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ मिलाकर मैदे के लिए काफी भारी होते हैं और पेट भी खराब हो सकता है। हर 2 से 4 हफ्ते बाद कटिंग करने से बहुत ज्यादा खराब बाल भी सेहतमंद हो जाते हैं। इससे बाल अच्छे रखने के लिए बार बार कटिंग कराएं। अनार के इस्तेमाल से होंठ फटने बंद हो जाते हैं। आमतौर पर मैदे की खराबी से होंठ फट जाते हैं। उसके अलावा संतरे का बाहरी हिस्सा होंठों पर मले। रोजाना सुबह खाली पेट घी खाने से आपकी हड्डियों में ताकत बढ़ती है और हड्डियाँ मजबूत होती है और साथ ही वजन भी कम होता है। इससे पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ रहता है, जिससे हमें भूख भी कम लगती है। खीरे में बहुत ज्यादा पानी मौजूद होता है जो अंदर की मशीनरी बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है, इसलिए इसको अंदर की सफाई करने वाला भी कहा जाता है। स्किन को ताज़ा और फ्रेश रखने के लिए जितना हो सके पानी पिए। गर्मी में जिस्म में पानी की कमी की वजह से आप बहुत सी दिक्कतों का शिकार हो सकते हैं। स्किन के मरज से बचने के लिए नहाते वक्त आखिर में बदन पर ठंडा पानी बहाएं। दिल के मरीज घी के बजाय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें और घी से परहेज करें। मेथी की सब्जी बनाकर खाने से कमर का दर्द जाता रहेगा। दांत टूट जाए तो एक टमाटर का रस दांत की जगह पर लगाने से दांत नया निकल आएगा। दिल के दर्द के लिए रोजाना 3 छोटी इलायची खाएं और खुद फायदा महसूस करेंगे। खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। कच्चा दूध मत पियो, आपकी हड्डियां कमजोर होगी। कड़वी चीजों का इस्तेमाल से आपकी सेहत अच्छी रहती है। अगर आंखों में दुधलापन नजर आने लगे तो निहार मुंह आंखों में सुरमा लगाएं। हल्दी हड्डियों की तकलीफ में फायदेमंद है। जख्म भरने और सूजन कम करने की सलाहियत होती है। गर्म दूध में डालकर पीने से जोड़ मजबूत होते हैं। टिश्यू पेपर में अजवाइन लपेट कर सूंघने से सर का दर्द भाग जाएगा। प्याज और चिकन को उबाल कर उसका सूप पीने से वजन कम होता है। पिस्ता प्यास को मिटाता है, दिमाग को ताकत देता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, गुर्दों को साफ रखता है। पिस्ता वबाई मरज में दूर रखता है। पिस्ता हिचकियों में फायदेमंद है। मैदे को ताकत देता है और इसफाल को खत्म कर देता है, याददाश्त को तेज करता है। रात को सोते वक्त थोड़ी सी रुई को लेकर उसको सरसों के तेल से तर के नाक पर रख लीजिए। इससे आपके होंठ नरम और मुलायम रहेंगे। बदन का कोई हिस्सा जल जाने की सूरत में उस पर बर्फ का टुकड़ा रखें। जले हुए निशान खत्म हो जाएंगे और आराम मिलेगा। सुबह उठते ही एक आंख बंद करके घास और हरी रंग की शिमला मिर्च को देखो, नजर तेज हो जाती है। टूटे हुए बर्तनों में जो पानी पीता है उसके रिस्क में कमी हो जाएगी। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो बादाम का तेल चेहरे पर लगा लो। औरतों को जिस्मानी कमजोरी हो जाए तो खाने में चुकंदर खा लिया करें। बाँझपन की बीमारी हो तो जौ का दलिया खाओ तो
दोपहर के वक्त ज्यादा से ज्यादा प्याज खा लिया करो। मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होगा और दिमागी सोचने की ताकत भी बढ़ जाती है। गर्दन के पिछले चने कुछ देर के लिए बर्फ का टुकड़ा रख दें, इससे आपके दिमाग को बहुत सुकून पहुँचेगा और नींद भी सुकून की आएगी। जीरा खा लेने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और ये बदहजमी के लिए भी निहायत फायदेमंद है। पेट का दर्द ना कम हो रहा हो तो पानी में अजवाइन और काला नमक डालकर पी लें, दर्द में कमी आ जाएगी। अगर बेशुमार ताकत चाहते हो तो रोटी को दूध में डुबोकर खा लिया करो। निहार मुँह सेहत मिला पानी पीने वाले बंदे को जिंदगी भर मैदे की दिक्कत नहीं होती है। मीठे चावलों में कलौंजी डालकर खा लो, आपके जिस्म में ताकत आ जाएगी। हर दो दिन में तुरई की सब्जी खाने का रूटीन बना लो, बेतहाशा ताकत मिलेगी। नींद में खराटे आते हो तो सरसों के तेल के 2 से 3 कतरे नाक में डाले खराटे नहीं आएंगे। कैंसर वाले लोग फलों के अंदर सिर्फ लाल फल का इस्तेमाल करें। जिसको खूबसूरती में इजाफा करना है तो रोजाना कुछ दाने अंजीर के खा लो, खूबसूरती में इजाफा होगा। रोजाना रात को अपनी पीठों की मालिश करें जैतून के तेल से, इससे आपके पीठ निहायत मजबूत हो जाएंगे। हमेशा तरबूज खाने से पहले पानी पियो, बाद में पानी पीने से ताकत में कमी आती है। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। निहार मुँह जो अनार खाते हैं उनको सारा दिन थकावट नहीं होती। ज्यादा मीठी चीजें चेहरे पर झुर्रियां लाती है। नींबू का छिलका चाटो, हाजमा ठीक रहेगा। छोटा सा अदरक का टुकड़ा चबाओ, जिस्म के दर्द से आराम आ जाएगा। बकरी का दूध पीने से बाल लंबे होते हैं। ज्यादा गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा है। जुकाम के दौरान दूध पीने से परहेज करें वरना जुकाम बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो दोपहर के वक्त भुने हुए चने एक मुट्ठी भर जरूर खाएं। चावल खाने से पहले नींबू के चंद कतरे पी जाओ, तमे की बीमारी नहीं होगी। रात को ज्यादा पानी मत पियो, इससे आपके जिस्म में ताकत खत्म हो जाएगी। बीमारी में चलते फिरते रहो जब तक तुम्हारी हिम्मत साथ दे। मीठा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो कान को उसी तरफ झुका दे, पानी कान से बाहर निकल जाएगा। ज्यादा मीठी चीजें खाने से इंसान मौत के करीब हो जाता है। अगर आपके बाल झड़ने लगे तो आप उबले हुए चावलों के पानी से बाल धोने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बहुत ज्यादा फ्रीज के ठंडे पानी से बाल झड़ने लगते हैं, बाल कमजोर होने लगते हैं और आपको बहुत सारी पेट की समस्या होने लगती है। अगर आप अपने चेहरे पर होने वाले किन मुहासों से परेशान हैं, तो इसके पीछे रात में मेकअप रिमूव ना करना भी है। वास्तव में जब आप रात में सोने से पहले मेकअप नहीं उतारती हैं, तो इससे आपकी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और फिर स्किन में कई तरह की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी जानकारी की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो में अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।